हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेड के फैशन। सो गाइस, लॉकडाउन स्टार्ट है और ईद आने वाली है और पार्लर सारे बंद है। सो पार्लर जाना पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेस मास्क लेके आई हूँ जो आपको 1000 से वाले फेशियल से भी ज़्यादा ग्लो देगा। सो गाइस, एक चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए, उसमें आप एक एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क मिक्स कर लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, ये फेस मास्क बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा आपको स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है और बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। सो गाइस, आप किसी पार्टी में जाने से पहले, वेडिंग में जाने से पहले या फिर फेस्टिवल में रेडी होने से 15 मिनट पहले इस फेस मास्क को अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। प्लीज़ गाइस, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये फेस मास्क कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनको ईद के दिन अच्छे से ग्लो मिल सके इस फेस पैक की हेल्प से। सो गाइस, इस फेस मास्क को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए, एक मोटी सी लेयर अप्लाई कीजिए। 15 मिनट में ये इजीली ड्राई हो जाएगा और बहुत इजीली रिमूव भी हो जाएगा। अच्छे से एक मोटी सी लेयर अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पर। गाइस, ये फेस मास्क 15 मिनट में ड्राई हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देखिए, 15 मिनट बाद मेरा फेस मास्क बिल्कुल ड्राई हो गया और देखिए कितने इजीली रिमूव भी हो रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा फेस मास्क है। ये आपके अनवांटेड हेयर को भी रिमूव कर देगा, फेशियल हेयर को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा आपके, इससे आपके फेस पर और भी ज़्यादा शाइनिंग और ग्लो आएगा। आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये रिमूव हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। अभी मैंने वॉश भी नहीं किया, मेरे हाथ में कितना ग्लो दिख रहा है। सो गाइस, देखिए ये मैं वॉश करके आ गई हूँ, मेरा हैंड में कितनी शाइन और ग्लो लग रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, आप इस फेस मास्क को ट्राई ज़रूर कीजिए ईद पर, फेस्टिवल पे, पार्टी में जाने से पहले या वेडिंग में जाने से पहले भी इस फेस मास्क को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।